सर एक्चुअली ये प्रोग्राम बच्चों का अभी जो डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है ब्लैक बेल्ट जो बच्चे हुए हैं हमारे जो मेरे आसपास आपको दिख रहे होंगे स्पेशली ये आज का प्रोग्राम इनके लिए है क्योंकि कराटे में बच्चों को एक टाइम टू टाइम ग्रेडिंग होती है। उस ग्रेडिंग में जब एक बच्चा एक लेवल क्रॉस कर लेता है एक अपग्रेड हो जाता है इंस्ट्रक्टर लेवल पे आ जाता है तो ये बच्चे अब एक एज अ इंस्ट्रक्टर हो गए हैं और जिसमें कि इन बच्चों की कम से कम 18-18 घंटे की ट्रेनिंग हुई है। पिछले एक हफ्ते से बच्चे यहीं पर ट्रेनिंग कर रहे हैं सुबह 4:30 से लेके शाम को 7:30 तक और जिससे कि लोग और पॉलिश हो सकें। और जो हमारी जो एसोसिएशन है इंडियन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ऑर्गेनाइजेशन ये आगे जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वहाँ पर फ्री में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स भी देते हैं जिसमें ये बच्चे भी इंक्लूड रहते हैं जो भी ब्लैक बेल्ट हो जाते हैं। स्कूलों में जाके हम फ्री में भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स देते हैं और यहाँ अकेडमी पे बच्चों को स्पेशल तरीके से ट्रेन किया जाता है उन पॉलिश किया जाता है ताकि आगे ये और अच्छे से अपग्रेड कर सकें अपनी स्किल को जो कराटे है। टोटल अभी हमारे पास 120 प्लस स्टूडेंट होंगे मतलब अभी एकेडमी लेके प्लस जो हमारी बाहर की एक दो जगह ब्रांचेस चलती हैं। और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हमने पिछले 3 महीने में पूरी मिला के हमने टोटल 10,000 बच्चों को सेल्फ डिफेंस की फ्री ट्रेनिंग दी थी जिसमें आसपास के जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो थे और कॉलेजेस थे जैसे कि आपका डिवीजन आर डिग्री कॉलेज हो गया DDU हो गया एनी रेलवे के जितने स्कूल्स हैं मंटेसरी के जितने स्कूल्स हैं आसपास के सब में हम लोगों ने जाके क्लासेस दी हैं। और अभी आगे और कोशिश रहेगी उसके लिए अब तो हमारी और अच्छी टीम रेडी हो गई है ताकि इस ट्रेनिंग को और अपग्रेड कर सकें हम और बाकी लोग भी सेफ्टी के लिए अपने अवेयर हो सकें। आदित्य सिंह मेरा नाम है और मैं 1 साल से ट्रेनिंग दे चुका हूँ। मेरा नाम वर्णिका शर्मा है और मैं जब से 3 साल की थी तब से मैं कराटे सीख रही हूँ, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। मेरा नाम अवन है और मैं आज ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन के लिए जा रही हूँ और हम 7 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम लोग को ब्लैक बेल्ट मिल जाएगा। मेरा नाम आयुष पोदार है, मैं फर्स्ट डैन के लिए जा रहा हूँ और मैं 7 दिन से ट्रेनिंग कर रहा था। मेरा नाम आयुष मिश्रा है और मैं ब्लैक बेल्ट के लिए जा रहा हूँ। मेरा नाम आकाश कुशवाहा है, मैं सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट हूँ और मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर और कोच हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं इसी साल आया हूँ और इन लोग को मैंने ये एकेडमी ज्वाइन किया और मैं यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहा हूँ और हमारे फर्स्ट ब्लैक बेल्ट ग्रुप है जिनको हमने ट्रेन किया है। 7 दिन से ये लोग ट्रेन हो रहे हैं यहीं पे 18-18 घंटे, तो बहुत मज़ा आया 7 दिन। अब ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा और आगे बहुत कुछ आने वाला है। के बच्चों को सर्टिफिकेट मिला है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। और ये जो कला है जो बच्चे सीख रहे हैं इसके बारे में क्या करना है? बढ़िया है, क्या कहें, बहुत बढ़िया है, मतलब आगे का भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अपना भविष्य अपने लोग बना रहे हैं, हम लोग का मन है आगे बढ़ने का तो ये सब सिखा के हम लोग को अच्छा लग रहा है देखने के। सर बच्चों को ब्लैक बेल्ट का जो परीक्षण हुआ 5-6 दिन लगातार सुबह 4 बजे से लेकर के और रात में 8 बजे तक बच्चे काफ़ी मेहनत किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किए बच्चे और उन्हें ब्लैक बेल्ट मिला, इसके लिए हम लोग बच्चों के ऊपर बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम लोग। और ये जो सेल्फ डिफेंस है इसके बारे में आज कितना? बिल्कुल सर, सभी बच्चों को छोटे बच्चे हो या लड़कियाँ हों
अभी आज का माहौल आप देख ही रहे हैं, तो बिल्कुल सेल्फ डिफेंस सारे बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है गार्जियनों को, और हम लोग अपनी बच्चियों को, लड़की हो लड़का हो, सबको सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली स्थिति में कभी भी कोई उनके सामने अगर ऐसा समय पड़ जाए तो अपना सामना कर सके। सेल्फ डिफेंस एक मैं कहूँगी कि बहुत आजकल के टाइम में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी खुद की डॉटर है, मैंने उसको 3 साल की उम्र में इसलिए कराटे में डाला था ताकि आगे जाके कभी भी मुझे ये सोचना ना पड़े कि मेरा बच्चा कहाँ है और मुझे उसकी सिक्योरिटी के लिए सोचना ना पड़े। तो मैम प्रियंका मैम के अंडर इसने जो सीखा है उसका मैं मैम का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि इसने ऐसी सेल्फ डिफेंस की चीज़ें भी सीखी हैं जो आगे जाके इसको बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुई, और साथ ही साथ इसने बच्चे के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा है। बच्चों का वेट कंट्रोल रहता है, और दूसरी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आजकल बच्चे नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह पे रहते हैं, उससे इससे बच्चों का जो फिजिकल फॉर्म है वो भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। थैंक यू।